नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 6 नवंबर 2019 और आप यहां पर देखेंगे 20 के करीब में दोस्तों क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दो क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आप आगे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, तो हाल ही में द फार फील्ड नामक उपन्यास ने JCB पुरस्कार जीता। इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक है माधुरी विजय जी। माधुरी विजय जी जो है इसके लेखक हैं। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में द फार फील्ड नामक जो है उपन्यास JCB पुरस्कार जीता है दोस्तों। इसके राइटर लेखक पूछा है, तो माधुरी विजय जी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति जो महोत्सव आयोजित होगा ये नई दिल्ली में दोस्तों किया जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कहाँ होगा आयोजित? नई दिल्ली में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, दूसरी बार मैं इसको ले रहा हूँ। हाल ही में किस देश ने नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने दोस्तों? चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने दोस्तों हाल ही में जो है नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च किया है, याद रखिएगा, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में IT पहल अतिथि शुभारंभ किसने किया दोस्तों? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में IT पहल अतिथि शुभारंभ किसने किया दोस्तों? शुभारंभ किया है निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों ये शुभारंभ किया है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख करके बताइएगा कि ये किस पद पर है, निर्मला सीतारमण जी किस पद पर है। देखते हैं किसको किसको याद है, इन्होंने IT पहल अतिथि का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 5 नवंबर को दोस्तों मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता? दूसरी बार मैं इसको ले रहा हूँ। हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2019 का जो खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है दोस्तों। नोवाक जोकोविच ने जो है पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाए दोस्तों? ये कोलकाता में किया जाएगा। हाल ही में 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? कोलकाता में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश NV बाल सुब्रमण्यम का दोस्तों यहां पर निधन हो गया है, और वो जो है किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे? तो मद्रास हाई कोर्ट के दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में किस हाई कोर्ट के पूछा है, तो यहां पर मद्रास हाई कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश थे NV बाल सुब्रमण्यम इनका नाम है, और इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में जारी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में दोस्तों कौन शीर्ष पर रहा? राफेल नडाल जी दोस्तों यहां पर ATP रैंकिंग में हाल ही में जो जारी हुआ है रैंकिंग में शीर्ष पर रहे, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, हाल ही में कौन सा देश दोस्तों RCEP समझौते से बाहर हुआ? भारत देश तो इस जो समझौते से बाहर हो गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में कौन सा देश है जो कि RCEP जो है समझौते से बाहर हो गया है? ये भारत देश है दोस्तों, अपना इंडिया देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, भारत और किस देश के बीच दस्तलिक 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच दोस्तों दस्तलिक 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है दोस्तों? ये उज्बेकिस्तान और भारत के बीच दोस्तों। और यहां पर अगर चिकित्सा क्षेत्र में समझौता भी बात करेगा तो इसी को राइट आंसर लगेगा, उज्बेकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2020 यानी 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश कौन बन जाएगा? गुआना देश दोस्तों, गुआना जो है ये देश बन जाएगा दुनिया में सबसे तेज वृद्धि करने वाला। ये किसके रिपोर्ट के अनुसार पता चला है? ये IMF के जो है रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसके अनुसार ये बताया गया है 2020 तक जो दुनिया का सबसे तेज से जो है वृद्धि करने वाला देश गुआना बन जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लैंड्स
स्पोर्ट्स जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, ये नियुक्त किया गया आदित्य मिश्रा जी को। आदित्य मिश्रा जी को दोस्तों हाल ही में लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा आदित्य मिश्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में सुमंत कथपालिया को किस बैंक का जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो इंडस इंड बैंक का दोस्तों यहां पर जो है सीईओ और एमडी इनको नियुक्त किया गया। किसको? सुमंत कथपालिया, सुमंत कथपालिया को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू किया है दोस्तों या शुभारंभ किया है, पंजाब दोस्तों राज्य सरकार ने, पंजाब राज्य सरकार ने दोस्तों जो बेरोजगार युवा हैं इनके लिए दोस्तों रोजगार हेल्पलाइन जो है शुभारंभ किया या शुरू किया है, ठीक है याद रखिएगा पंजाब राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों हाल ही में भारत ने ड्रैगन बोट जो है विश्व कप में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों भारत ने, ड्रैगन बोट जो है आपका बोट विश्व कप में जो जीता है कांस्य पदक भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों हाल ही में भारत रूस अंतर जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग की सह अध्यक्षता किसने की दोस्तों, तो रामनाथ कोविंद जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों यहाँ पर जो है भारत रूस अंतर जो है सरकारी जो आयोग की सह अध्यक्षता की है वो रामनाथ कोविंद जी ने की है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रामनाथ कोविंद जी जो हैं ये किस पद पर हैं, देखते हैं किसको किसको याद है रामनाथ कोविंद जी जो हैं ये किस पद पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कल आप सभी लोगों से पूछा था हाल ही में किस देश ने दोस्तों रग्बी विश्व कप जीता है, फ्रांस ने, जापान ने, दक्षिण अफ्रीका ने या भारत ने, तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों वो है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन बना है, कल के करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन बना है, भारत, जर्मनी, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख करके आपको बताना है। आज था दोस्तों 6 नवंबर 2019 और आपने देखा 20 करीब में दोस्तों क्वेश्चंस। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए और अपने देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे। देखते रहे देखो सीखो स्टडी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।